फ्रेंड्स, तो कैसे आप लोग, आप की सब मस्त होंगे। तो फाइनली लावा का एक न्यू फोन आने वाला है जिसका नाम है लावा 01। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इस फोन के बारे में फुल डिटेल में जानेंगे कि ये फोन कब लॉन्च होगा और इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा, तो सारा कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर इसके डिज़ाइन के बारे में बात करें तो ये फ़ोन जो है बैक से कुछ ऐसा लगता है, देखने में काफ़ी मस्त एंड कूल लुक है। ये फ़ोन 3 कलर में अवेलेबल है। इसका जो है 9.28 mm का थिकनेस है एंड 199 ग्राम का वेट है, और डिस्प्ले के मामले में 6.56 इंच का फुल HD प्लस 90 हर्ट्ज़ का IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है। 180 हर्ट्ज़ का टच सैम्पलिंग रेट है। 550 निट्स का ब्राइटनेस देखने को मिलता है, और इसमें आपको 90% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिलता है। यूनिशॉक T606 का पावर प्रोसेसर है, और कैमरे के मामले में 13 MP प्लस AI रियल कैमरा है, 50 MP का फ्रंट कैमरा है, और ये फोन जो है एक ही वेरिएंट में अवेलेबल है, 6 GB रैम एंड 64 GB इंटरनल स्टोरेज। LPDDR4X रैम टाइप है और eMMC 5.1 स्टोरेज टाइप है, और इसमें आपको जो है अगर अदर कुछ की बात करें तो इसमें आपको एंड्रॉयड वर्जन 13 के साथ आता है। 3.5 mm जैक देखने को मिलता है, सिंगल स्पीकर, साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है, 5000 mAh की बैटरी और 18 वाट का फास्ट चार्जिंग देखने को मिलता है, और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आपको होम सर्विस देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये फोन कितने प्राइस में लॉन्च होगा, और ये जिस भी प्राइस रेंज में लॉन्च होगा क्या उसमें ये फोन बेस्ट होने वाला है, हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि ये फोन जो है इंडिया में 6999 यानी 7000 रुपये में लॉन्च होगा, और ये फोन जो है बेस्ट होने वाला है। और अगर इस फोन की कंपैरिजन की बात करें तो इतने ही प्राइस में दो फोन और अवेलेबल है जो कि बेस्ट है, मोटोरोला E30 और जो है इन्फिनिक्स स्मार्ट 7। और तो इन दोनों को अगर इससे कंपैरिजन की जाए तो डिस्प्ले के मामले में तीनों बेस्ट है, क्योंकि तीनों में आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलता है, लेकिन लावा में आपको 90 हर्ट्ज़ का फास्ट रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, तो लावा बेस्ट है। और प्रोसेसर की बात करें तो प्रोसेसर के मामले में भी आपको जो है मोटोरोला और लावा बेस्ट है, इन्फिनिक्स नहीं बेस्ट है। और कैमरे के मामले में तो तीनों बेस्ट है, और बैटरी की बात करें तो बैटरी के मामले में आपको लावा चुनना चाहिए, ये बेस्ट है, क्योंकि इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी और 18 वाट का फास्ट चार्जिंग देखने को मिल रहा है, तो ये बेस्ट है। और जो है OS अपडेट की बात करें तो OS भी आपका जो लावा और मोटोरोला का OS अपडेट ठीक है, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो ये फ़ोन ले सकते हैं, ये आपके लिए बेस्ट हो सकता है। 7000 के आसपास में आपको दिख रहा है तो काफ़ी मस्त फोन है, यह 7000 रुपये में मिल रहा है, तो आप ले लीजिए। कल ये जो है लॉन्च हो जाएगा इंडिया में 27 सितंबर को, तो आप ले लीजिए। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।